हेलो हेलो सारा, मेरी बेटी? सारा नहीं, सारा के मेजबान। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये छोड़ दो। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है। कहाँ है मेरी सारा? क्या चाहते हो तुम मेरी बच्ची से? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है सारा, मेरी बात करो उससे। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। हौसला रखो एहसन साहब, ज्यादा गुस्सा तुम्हारी बेटी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बकवास बंद करो। अगर मेरी बच्ची को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना तो मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। बोलो क्या चाहते हो तुम? 2 करोड़ मिल जाएंगे। मुझे बताओ कहां किस लोकेशन पे भेजेंगे। रकम का बंदोबस्त करके रखो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। और हाँ, ज्यादा होशियारी बिल्कुल मत करना। जवान बेटी का मामला है, अगर इसकी जान और इज्जत प्यारी है तो भूले से भी पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। और हाँ, 2 करोड़ रुपए कैश, 1 रुपया भी कम नहीं। रकम तुम्हें पूरी मिल जाएगी, बस एक बार मेरी बेटी से मेरी बात करा दो। जब मिल जाएगी बेटी ना तो तसल्ली से बातें करते रहना। सर, कौन लोग थे, क्या डिमांड कर रहे थे आपसे? अखबार बराए तवान का मामला है, सुना नहीं तुमने? पूरे 2 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं वो लोग। मेरी सारा की जिंदगी के आगे 2 करोड़ कुछ भी नहीं। सर, अगर आप इजाजत दें तो हम आईजी साहब को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल नहीं, इस वक्त पुलिस को इन्वॉल्व करना मुनासिब नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम पुलिस को नंबर मिला और कहो कि सारा खैरियत से घर पहुंच गई है, हमें मजीद कोई तफ्तीश नहीं करानी, बस कह दो उनको। सर, आप आईजी साहब पर एतमाद करें, वो सारा को कुछ नहीं होने देंगे। सारा की इज्जत और जिंदगी का सवाल है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये लोग कितने खतरनाक होते हैं, जान लेने से भी दुरेक नहीं करते। लेकिन सर, वह आज बिल्कुल ठीक कह रहा है, और तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। हमें इस वक्त सारा की जिंदगी से भरकर और कुछ नहीं। एहसन, आप प्लीज आईजी से बात करें, आप करें प्लीज। सर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? कहाँ जा रहे हैं? बैंक जाऊंगा, रकम निकालूंगा और उनके मुंह पे मारूंगा। सर, मैं आपका दर्द और तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, सारा को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सर, मुझे एक बार पता चल जाए कि वो कौन लोग हैं, कसम से मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। मेरे ख्याल से अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ चलो सही। सर आप लोग चले, मैं अपनी गाड़ी में आपको फॉलो करता हूँ। ओके। हाँ, कुछ खाया उस लड़की ने? अरे बहुत बददिमाग लड़की है, चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खा गई है। अरे कुछ करो जल्दी से यार, इसका बाप तो अभी तक कैश लेकर पहुंचा ही नहीं है। लगता है कि अपनी लाडली बेटी की कोई खास फिक्र नहीं है इसे। बस कुछ घंटे की बात है, सबर रखो, समझ लो हो गया काम। अरे सबर तो मैं कर लूंगा, लेकिन उससे शोर मचा मचा कर दिमाग खराब कर दिया है, कुछ खाती भी नहीं रही। देखो अगर उसे कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। मैं दोबारा कॉल करूंगा। ठीक है।